गेम का पोर्टल का जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा और कैसे प्ले करना है। तो इसके लिए जो है एमुलेटर को ओपन करने के बाद ऊपर जो प्लस का आइकन दिया है उस पर टैप करेंगे तो सारे फोल्डर खुल जाएगी आपके फ़ोन में जो भी रहेंगे। इस तरह से यहाँ पर जो भी फोल्डर में रोम रखा है मैंने 3DS फोल्डर में रखा है उसको ओपन करूँगा। यहाँ पर ओके कर देना है, फिर मतलब ऐसे दिखाई देगा रोम, उसके बाद जो है आपको ओके कर देना है। ठीक है, ओके करते ही आपका जो रोम फाइल है ऐसे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपको सेटिंग करना है। सेटिंग करने के लिए जो ऊपर 3 डॉट दिखाई दे रहा है उस पर जो है टैप करेंगे। अब जाएंगे सेटिंग्स में, अगर सेटिंग गलत हो जाती है तो ऊपर 3 डॉट पर टैप करके आप सेटिंग को रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको सेटिंग क्या करना है, यूज डुअल कोर पर टिक कर दीजिए। स्क्रीन लेआउट को मैं जो है लार्ज रखता हूँ जिससे कि मुझे जो है गेम प्ले वाला हिस्सा बड़ा दिखाई दे। ठीक है, तो आप चाहें तो अलग भी रख सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, तब इंटरनल रिसोर्सों को मैं यहाँ पर 2x रखता हूँ। आपका डिवाइस जो है मेरे डिवाइस से कम पावरफुल हो तो कम रखिए, ज़्यादा पावरफुल हो तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है 100 FPS कर दीजिए जिससे FPS वगैरह दिखाई दे, और यहाँ पर इसको जो है इनेबल कर दीजिएगा, और यहाँ पर जो है सीडर टाइप में जो है सेकेंड वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसके नीचे जो है आपको ऐसे छोड़ देना, और यहाँ पर इससे जो इनेबल CPU यूजेज लिमिट को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, और नीचे चलते हैं, और यहाँ पर न्यू 3DS मोड को टिक कर दीजिएगा, और बाकी चीज़ें जो है इसको भी टिक कर दीजिएगा इनेबल जिट को, और यहाँ पर जो इनेबल ऑडियो स्ट्रेचिंग को टिक कर दीजिए जिससे परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा, और यहाँ से हो जाइए बैक। अब जो है गेम को प्ले कर देते हैं, आपको जो है दिखाना चाहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आएगी। पहले प्ले करिएगा उसके बाद ही आपको जो है सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, पहले प्ले कर दीजिएगा इस तरह से, तो यहाँ पर लोडिंग में थोड़ा समय लगेगा तो वेट करिएगा। यहाँ पर सेव जो है वेट करता है। ठीक है, सेव करने के लिए तो यहाँ पर जो है कुछ समय लगता है, इसके बाद जो है हमारा गेम जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, तो यहाँ पर जो है एक्टिविजन का जो है लोगो आ चुका है, तो इस तरह से देख सकते हैं। अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा जो है बिनॉक्स है, इसके बाद जो है एक और लोगो आएगा, इसके बाद जो है हमारा गेम शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेट कर लेते हैं, अब जो है हमारा आने वाला है गेम। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है मेनू, और मतलब यहाँ लोगों यहाँ पर न्यू गेम कर लेते हैं। ठीक है, जो कि दूसरे जो है आइकन में ये बटन दबाकर, और यहाँ पर जो है आप यहाँ से नॉर्मल और हार्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है प्ले कर देते हैं। ठीक है, सिंपल से, तो यहाँ पर नॉर्मल को प्ले करता हूँ, तो ये बटन नहीं काम करता, सेकेंड जो स्क्रीन शॉट है उसमें प्ले में दबाएंगे इसे तो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है देख सकते हैं ऐसे बुक खुलेगा इस तरह से, यहाँ पर एक कटसीन आएगा। ठीक है, इसको मैं जो है स्किप कर देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके बाद जो है इस तरह से आ जाएगा, अभी जो है आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और कटसीन आएगा पहले, और इसके बाद जो है आपको कुछ इस तरह से अभी जो है पोर्टल आ जाएगा, तो अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो बंदा खड़ा है वही ऐसे लेकर रहेगा, यहाँ पर ये बटन को प्रेस करते रहना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस तरह से पोर्टल को रखने के लिए बोलेगा। तो हमारे पास पोर्टल वगैरह है नहीं, इसको जो है डिवाइस से कनेक्ट करना होता है जो निंटेंडो असली होता है। इसको स्किप करने के लिए आपको जो है क्या करना होगा, सेव फाइल का यूज करना होगा। इसके लिए जो है ZRKI और एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से मतलब इंस्टॉल कर लीजिएगा, और फिर इसको जो है आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद जो है आपको एक सेव फाइल मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसको जो है आपको इस तरह से जो है दिखाई देगा, तो ऐसा ही नाम रहेगा, और इस पर जो है आपको सिंपल सा जब टाइप करेंगे तो कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं जो है टैप करके दिखाता हूँ, तो ऐसे टैप करेंगे तो इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट डॉट 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 पर टाइप करेंगे, और यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पर सिट्रा एमुलेटर, इस पर जो है आपको टैप करके ओपन कर लेना है। आपका कोई भी हो, सिट्रा MMG हो या फिर ऑफिसर बिल्ड। ठीक है, ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर जाएंगे नीचे, और SDMC जो है फोल्डर उसमें। ठीक है, इस पर टैप करेंगे, यहाँ पर जो है निंटेंडो 3DS पर जो है टैप करेंगे और ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 00 जो है इस पर जो है मतलब जो बड़ा 0 है इस पर, और यहाँ पर फिर यहाँ पर 00 इस पर टैप करेंगे, और यहाँ पर टाइटल जो है इस पर टैप करके ओपन करेंगे। यहाँ पर जो है 0004 00 उसको ओपन करेंगे, और यहाँ पर जो है जो सबसे नीचे है आपके फ़ोन में ऊपर नीचे हो सकता है, जो 0013 ऐसे है
उसको ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पर डाटा जो है उस पर जो है टैप करना है, और फिर यहाँ पर 0001 जो है इसको, और यहाँ पर जो है पेस्ट का आइकन दिख रहा है उस पर टैप करेंगे और पेस्ट कर देंगे फाइल को, ठीक है। और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर रिप्लेस, ठीक है। और रिप्लेस पर टैप करते ही यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड जो है आपको डालना है पंकज, मेरा नाम जो है कैपिटल में रहेगा पी और बाकी स्मॉल में रहेंगे, मतलब स्मॉल लेटर में रहेंगे। डन कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब जो है पेस्ट होने के बाद जो है आपका काम खत्म हो चुका है। अब चलते हैं फिर से एमुलेटर में। एमुलेटर में आने के बाद जो है आपको गेम को सिंपल सा प्ले कर देना है टैप करके, और यहाँ पर जो है आपका जो है गेम प्ले हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आपको करना क्या है कि आपको वेट करना है थोड़ा, फिर इसके बाद जो है आपको बताता हूँ क्या करना। तो जैसा कि पहले की तरह ही स्टार्ट होगा गेम फिर से, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है एक्टिविजन का लोगो फिर से आ चुका है और बाकी जो है लोगो वगैरह आएंगे, तो वेट कर लेते हैं पहले। और इसके बाद जो है देख लेते हैं क्या क्या फीचर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई फिर से एक और लोगो आ चुका है। अब यहाँ पर गेम हमारा शुरू होने वाला है, मतलब मेनू में आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आ चुका है इस तरह से। अब यहाँ पर ए बटन को प्रेस करके जो है, यहाँ पर जो है ए बटन को प्रेस करना है सिंपल सा, और गेम हमारा जो है प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए बटन को प्रेस करते ही प्ले हो चुका है। अब जो है आपको यहाँ पर जो है एक मतलब मिलेगा ऐसा, मतलब पोर्टल जहाँ से ढेर सारे पोर्टल रहेंगे, मतलब एक जगह मिलेगा ऐसा, मतलब यहाँ पर पोर्टल मतलब ढेर सारे हैं, वहाँ पर जाना है, सिर्फ आर बटन को दबाना है, ठीक है। आप चाहे तो बटन को एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे बैक करेंगे और यहाँ पर एडिट बटन पर टैप करके यहाँ पर देख सकते हैं एक ओप कर दिया है, यहाँ पर डन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देख सकते हैं यहाँ पर पोर्टल है, यहाँ पर आर दबाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आर दबाएंगे तो यहाँ पर पोर्टल खुल जाएगा, यहाँ पर मिशन देख सकते हैं इस तरह से आपको मिल जाएंगे, प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है रास्ता है, वहाँ से जाकर मैं जो है दूसरा वाला, यहाँ पर ढेर सारे करेक्टर है जैसे जो दूसरा मतलब स्क्रीन है वहाँ पर, तो यहाँ पर आर दबा कर मतलब जो है बताएंगे कि कहाँ क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चलते हैं हम लोग दूसरे पोर्टल पर, वहाँ पर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग जो है शुरुआती वाले पोर्टल में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अटैक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर अटैक मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे आपको शुरुआती पोर्टल में दिखाता हूँ, यहाँ पर दरवाज़ा अभी बंद है, ठीक है। यहाँ पर जो है देख सकते हैं जाना है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप चाहे तो रूप को अभी भी बदल सकते हैं, यहाँ पर जो है देख सकते हैं यहाँ पर टैप करेंगे, अलग अलग जो है किनारे में जो है वो बनाए हैं कि अलग अलग पावर के जो मॉन्स्टर हैं, और यहाँ पर जो है या सुपर हीरो, और यहाँ पर जो है ढेर सारे सुपर हीरो है। इसको जो जॉयस्टिक से भी या टच कंट्रोल से भी दोनों से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि ढेर सारे ए बटन को दबाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ए बटन दबा देता हूँ। यहाँ पर जो है दोनों के ऊपर वाले नीचे वाले हिस्से को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बटन मैंने दबाया और ये जो है हमारा आ चुका है ग्रीडा ड्रिलर, ठीक है, ग्रीला ड्रिलर। तो यहाँ पर देखते हैं इस तरह का है भाई, चलने वाला सांप जैसे ऐसे कूद के चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला मुझे इतना खास पसंद नहीं आया, अब दूसरा कोई मैं बदल लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे मिशन हैं, तो यहाँ पर एक और बदल कर दिखाता हूँ, आग वाला मतलब फायर वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कई सारे मॉन्स्टर है, कई आग फेंकते हैं मतलब मारकर, मतलब ऐसे फाइट भी करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं उसका निचला हिस्सा, इसको बदल भी सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो उसका निचला हिस्सा ये रहने देते हैं और प्ले कर देते हैं। तो मुझे जो है दूसरा कोई पसंद नहीं कि दो हिस्से रहें, ठीक है। तो यहाँ पर प्ले दबा देते हैं और यहाँ पर देखते हैं आ चुका है हमारा ब्लास्ट रॉजर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ऐसे फेंक रहा है आग, तो यहाँ पर चलते हैं, एक कूद के ऐसे उछल कूद करके चल रहा है, ठीक है। देखते हैं भाई क्या करती है तुम। तो यहाँ पर जो है आर बटन जो है दबाना है, यहाँ पर कई सारे मिशन हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आर बटन दबा देते हैं, ठीक है। आर बटन दबाते ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दूसरा कोई बदल लेते हैं, ये मुझे इतना खास पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर जो है खोपड़ी वाले में से कोई बदल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन क्रीपर, तो इसको जो है आर बटन दबा कर यहाँ पर प्ले कर देते हैं। यहाँ पर ढेर सारे मिशन है, इधर उधर करेंगे, पाला मिशन है, ठीक है। तो प्ले हुआ पाला वाला मिशन। तो यहाँ पर जो है ढेर सारे पोर्टल वगैरह है, ढेर सारे मिशन भी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग समय लगता है, तो वेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पाला मिशन आ चुका है, ठीक है।
तो यहाँ पर ऊपर बंद है, यहाँ पर ताले लगे हैं, इनको जो दरवाजा मतलब जो ब्रिज है ऐसे उसको तोड़ना होगा आगे जो है, ठीक है, दिखाएगा कैसे तोड़ना है, काफ़ी आसान है। उसके लिए जो है तोप का यूज मतलब करना पड़ता है जो कि तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि हमारा करेक्टर जो है आ चुका है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब ढेर सारे जो है मतलब दुश्मन आएंगे। ये हमारा जो है मतलब दुश्मन नहीं है, ठीक है, इसको मैं मार रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो आया वो दुश्मन है, ठीक है, इसको जो है ऐसे मारते हैं, वाई बटन और एक्स बटन से जो है हमला है, ठीक है। अलग अलग जो है मतलब जो हमारे करेक्टर है उनके अलग अलग पावर है, ठीक है। और यहाँ पर एयर अटैक कर रहा है काफ़ी तेज़ी से, तो यहाँ पर खाने के लिए हमें मिल रहा है, ठीक है, वो हेल्थ वगैरह पर असर डालता है। तो यहाँ पर जो है देखते ऊपर से गिर रहे हैं आग की तरह, ठीक है। तो इनके मारने के बाद जो मतलब इनके ऊपर जो हमला करने के बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ नहीं हो मतलब मर रहे हैं, और यहाँ पर आग जैसे हैं मतलब ऊपर से जब गिर रहे हैं तो हमारे ऊपर गिरेंगे तो हमारा जो हेल्थ कम हो जाता है, ठीक है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ, और यहाँ पर इनको मारना जो है थोड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर दूसरा करेक्टर जो है देख सकते हैं, यहाँ पर केला जो है मिला है, तो यहाँ पर केला मिल चुका है, यहाँ पर हमारा जो है लेवल भी अप हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग मिल रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पर दूसरा करेक्टर ले लेते हैं कोई, और तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ये वाला करेक्टर मुझे सही लगा। इसमें ढेर सारे हैं, और ये तो घोड़ा जैसा है, ये मज़ेदार मुझे नहीं लग रहा है, तो इसको जो है बदल देता है, लेकिन आँख फेंक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई और करेक्टर बदल रहा हूँ, ठीक है। तो करेक्टर को कभी भी बदल सकते हैं ढेर सारे, तो यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा करेक्टर है। तो यहाँ पर ये वाला बंदा जो है बढ़िया है, ऐसे पीटने वाला, तो काफ़ी आसानी से पीट रहा है, और तेज भी है काफ़ी, मतलब उनकी स्पीड भी काफ़ी कम है और ज़्यादा रहते हैं अलग अलग मॉन्स्टर के, और पावर भी। तो यहाँ पर वाई बटन से इसे तोड़ना है इनको, तो इनको तोड़ देते हैं, और ये वाला टूट चुका है, और यहाँ पर इसको भी तोड़ लेते हैं। और यहाँ पर जो है खजाना है, आर बटन दबाना है, तो यहाँ पर जो है टस्ट से जो है तालों को तोड़ना है इस तरह से, और यहाँ पर टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं और देखते हैं और कुछ है या नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं, अब वापस चलते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर। और सामने जो है जो मॉन्स्टर मतलब जो ये वाला है इसके पास आना है, ठीक है, इससे बातचीत वगैरह करना है। तो यहाँ पर जो है कि इसको जो है चालू हो जाएगा अभी हमारा मतलब जो तोप है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको चालू ये हो चुका है, अब जो है दुश्मन आएंगे तो उनको मतलब हराना है यहाँ पर, मतलब मारना नहीं तो रूट रुक जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर हमला होगा। तो यहाँ पर इसको मार रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसको मार दिया और एक बचा है इसको भी मार दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर चालू हो चुका है, ठीक है, फिर से मतलब लेवल अप हो चुका है, ठीक है, डैमेज बूस्ट हो चुका है, और यहाँ पर फिर से आर दबाएंगे तो यहाँ पर जो है ऐसे अब आपको करना है, ठीक है, ऐसे शूट करना है, ठीक है, ऐसे जहाँ पर निशाने पर ले जाकर जो है आपको आर बटन दबाना है, ठीक है, आर बटन से शूट है। यहाँ पर देख सकते हैं टूट चुका है ताला, ये वाला भी ताला टूट चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रिज आ जाएगा और यहाँ पर जाना है, ठीक है, यहाँ पर जा रहा है मतलब हमारा जो शूट करने वाला है, यानी तो यहाँ पर करेक्टर बदल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ढेर सारे करेक्टर है, तो आप कोई भी करेक्टर प्ले करिए, आपको मैं ऐसे करेक्टर बदल के गेम प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भाई डूम बॉम्ब है, ठीक है, इसके हाथ में जो है दोनों हथियार है, मतलब इसका चौड़ा हाथ है समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो है एक्स बटन यहाँ पर काम पर नहीं, वो आई है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो है एक्स बटन कुछ नहीं काम कर रहा है, दोनों वाई बटन से ही मार रहा है, और यहाँ पर दो को मार दिया, ठीक है। ढेर सारे मॉन्स्टर के हाईलाइट मतलब दिखाए हैं इस वाले गेम में, और यहाँ पर ये मज़ेदार नहीं है, और दूसरा बदल कर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं, तो देखते हैं भाई क्या है इसका जो पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर रैटल से ये वाला तो भाई शूट करने वाला, ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ये वाला भी, तो
तो यहाँ पर सिर्फ सूट कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, और यहाँ पर इसके पास दो पावर रहते तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर जो है चंद्रमा वाले देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है इसको ले लिया नाइट मेयर, और इसका जो पावर बढ़िया है, ये मार रही है बड़ी तलवार से काफ़ी जल्दी, इसको जो है फिर एक जो आकर रोक दिया है, यहाँ पर इसको मार दिया, ठीक है, यहाँ पर इस दो आ चुके हैं, इनको भी मार देते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि और दूसरा कोई कैरेक्टर, ढेर सारे कैरेक्टर के हाईलाइट में दिखाना चाहता था, तो इसलिए इस वाले में जो पहले वाले स्काईलैंडर थे उसमें ज़्यादा मैंने कैरेक्टर चेंज नहीं किए थे, एक दो ही किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि कोई और कैरेक्टर है, अच्छा ये उड़ने वाला कैरेक्टर अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसको जो है मैं स्विच करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बटन दबाने के बाद जो है आ चुका है वर्लविंड, तो यहाँ पर जो है इसका जो पावर काफ़ी दूर से शूट करने वाला है, और नॉर्मल भी अटैक इसका है वाई बटन से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मारते हैं, यहाँ पर जो देखते हैं कि इनको काफ़ी तेज़ी से अटैक कर रहा है, और इसका पावर भी काफ़ी ज़बरदस्त, यहाँ पर हमें कुछ मिला है, ठीक है, और चलते हैं यहाँ पर इसको जो है इसको मज़ा चखाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ये वाला सुपर हीरो है, मतलब मॉन्स्टर है या फिर करेक्टर कर सकते हैं कुछ भी,